नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। एक व्यक्ति के लिए आखिरकार सुप्रीम कोर्ट रात को क्यों खुल जाती है? उसमें सबसे बड़ा नाम तीस्ता सीतलवाड़ का है। तीस्ता सीतलवाड़ के लिए खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने कैसे शाम को 6 बजे एक कमेटी बनाई। अब वो कमेटी जब फैसला नहीं दे पाए तो उसी दिन शाम को 9 बजे एक कमेटी बनाएगी, रात को 7:30-8 बजे, और वो कमेटी 9 बजे तक फैसला सुनाती है और उसे जमानत दे दी जाती है। और जबकि ये मामला शाम को 5:30-6 बजे सीजीआई ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंचता है और महज 3 घंटे के भीतर ही कोई मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट और उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट कमेटी गठित कर देती है। पहली कमेटी जब उस पर फैसला नहीं सुना पाती है तो तुरंत के तुरंत कहीं ना कहीं आनन फानन में दूसरी कमेटी बिठाई जाती है और वो फैसला सुनाती है। आखिरकार ये सुन करके आप अचंभित नहीं हो रहे होंगे कि आखिरकार वो सुप्रीम कोर्ट जिसके पास पहुंचते पहुंचते वर्षों कई लोगों की पीढ़ियां गुजर जाती हैं और लोग मर जाते हैं, कई पीढ़ पुश्ते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको बता दे गुजर जाती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते, तो आखिरकार सीजीआई के सामने ये रात में कैसे अल्लाह खेला दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। क्योंकि इसमें जब पूरा वीडियो देखिएगा और तसल्ली से देखिएगा, क्योंकि इसकी जो कहानी है, इसका जो सच है, वो सीधे तौर पर तीसरा सीतलवाड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान में हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ कैसे ये पाकिस्तानी और इस्लामिक साजिश चल रही थी, उसका पूरा पर्दाफाश है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वक्त लगेगा वीडियो देखने में, लेकिन वीडियो पूरी देखिएगा। मित्रों, यह सत्य है कि प्रतिष्ठित परिवार में जन्म ले लेने से कोई व्यक्ति उस प्रतिष्ठा का अधिकारी नहीं हो जाता, और यदि उसे प्रतिष्ठा मान भी लिया जाए तो यह उसके अपने कर्म निर्भर नहीं करता है, वो व्यक्ति उस प्रतिष्ठा की वृद्धि करेगा या कलंकित करेगा। तीस्ता सीतलवाड़ का नाम तो सुना ही होगा। इस महिला की कहानी भी कुछ ऐसे ही है। चलिए देखते हैं आखिर कैसे। इसके पृष्ठभूमि पर जाते हैं तो उसके दादाजी श्री एम सी तीस्ता सीतलवाड़ हमारे देश के सर्वप्रथम अटॉर्नी जनरल नेहरू के करीबी, उसके पिता श्री अतुल सीतलवाड़ एक नामी वकील थे। उन्होंने जैसे जन्म ऐसे प्रतिष्ठित परिवार में 1962 में लिया था। तीस्ता ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण कर मुंबई यूनिवर्सिटी से विधि अर्थात कानून की पढ़ाई शुरू की और दो वर्ष पश्चात उसने कानून त्याग पत्रकारिता की पढ़ाई शुरू कर दी और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा। उसने कई अखबारों के लिए एक पत्रकार के रूप में काम किया। इस दौरान उसकी मुलाकात पत्रकार जावेद आनंद से हुई, जावेद मतलब मुसलमान, और अंततः दोनों ने शादी कर ली। अब इसे लव जिहाद कहेंगे या कहेंगे ये अलग बात है। बस इसी जावेद के साथ और सोच ने तीस्ता के जीवन की दिशा बदल दी। मित्रों, आपको याद होगा इस प्रकार कांग्रेस से जुड़े आतंकवादियों ने दिनांक 27 फरवरी 2002 को गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती ट्रेन के S6 कोच में आग लगा दिया, जिसमें 59 कार सेवक हिंदुओं की निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी गई। इस मामले में 1500 लोगों को गिरफ्तार कर प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके पश्चात दिनांक 28 फरवरी 2002 को गुजरात के कई इलाकों में दंगा भड़का, जिसमें 1200 से अधिक लोग मारे गए। दिनांक 3 मार्च 2002 को गोधरा ट्रेन जलाने के मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ आतंकवाद निरोधक अध्यादेश यानी पोटा लगाया गया और 9 वर्षों के दौरान हुए कई घटनाक्रमों के पश्चात 22 फरवरी 2011 को विशेष अदालत ने गोधरा कांड के 31 लोगों को दोषी पाया जबकि 63 अन्य को बरी कर दिया। अंततः दिनांक 1 मार्च 2011 को विशेष अदालत ने गोधरा कांड में 11 को फांसी दी और 30 को उम्र कैद की सजा सुनाई। कांग्रेस ने घृणित योजना को अंजाम दिया। आपको बताते हैं आखिर कैसे। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और राष्ट्रीय सेवक संघ और विश्व स्तर पर बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने एक भयानक षड्यंत्र की योजना बनाई। उसके मोहरा बनी तीस्ता सीतलवाड़। सर्वप्रथम तीस्ता सीतलवाड़, उसके पति जावेद आनंद, ईसाई कैथोलिक पादरी सैड्रिक प्रकाश, अनिल धारकर पत्रकार, अल्याक पत्सी, जावेद अख्तर, विजय आनंद तेंदुलकर, राहुल बोस, सभी फिल्म थिएटर से जुड़े हुए थे। जैसे लोग मिलकर के 1 अप्रैल 2002 को सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस यानी CJP नामक एक NGO बनाया। इसकी आड़ में कानून और सत्ता का दुरुपयोग का खेल शुरू हुआ।
उसके बाद जो खेल शुरू हुआ वो आपको समझ में आ जाए। उन्होंने भाजपा राष्ट्रीय सेवक संघ और श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की मुहिम शुरू कर दी। कई आपराधिक शिकायतें दर्ज की गई। केंद्र में कांग्रेस की सरकार होने के कारण तीस्ता सितरवाड़ उसके साथियों पर कोई रोक टोक नहीं था। उनका प्रभाव इतना था कि बेस्ट बेकरी केस को गुजरात के महाराष्ट्र स्थानांतरित करवा दिया गया था। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को सजा दिलाने की भरपूर कोशिश की गई। झूठे गवाह तैयार किए गए, झूठे दस्तावेज तैयार किए गए, जिसमें आईपीएस अफसर संजीव भट्ट जैसे लोगों को काफी सक्रिय थे। संजीव भट्ट ने तो झूठा हलफनामा भी फाइल कर दिया और श्री नरेंद्र मोदी जी को गुजरात में हुए दंगों की जिम्मेदार बता दिया। इसी का प्रभाव रहा कि अमेरिका, जो आज मोदी के एक इशारे पर तरसता है, ने मोदी को वीजा देने से इनकार कर दिया। खैर, सीबीआई आरंभिक अदालतें, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बाइज्जत परी कर दिए जाने के पश्चात भी कांग्रेस के इशारों पर तीस्ता सितरवाड़, उसकी टीम के लोग, जो आपको बता दें टीम के लोग मोदी जी के पीछे पड़े रहते हैं। और इन सबका इनाम तीस्ता सितरवाड़ को मिला जब से कांग्रेस सरकार द्वारा वर्ष 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और यही नहीं, इससे पूर्व वर्ष 2002 में ही इसे राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार भी दिया गया। तीस्ता सितरवाड़ ने करोड़ों रुपए का फंड अपने एनजीओ के माध्यम से इकट्ठा किया, जिसे दंगा पीड़ितों की सहायता के लिए खर्च किया जाना था। जब जांच करने वाली सरकारी संस्था सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एसआईटी ने सर्वोच्च न्यायालय के अपनी अंतिम क्लोजर रिपोर्ट प्रेषित करते हुए श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को पूर्णतः सभी आरोपों से मुक्त कर दिया, अर्थात क्लीन चिट दे दिया, तो तीसरा सितलवाड़ ने एक बार फिर गुजरात दंगों की भेंट चढ़ गए। कांग्रेसी नेता जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी को अपना मोहरा बनाया और प्रोटेस्ट याचिका दाखिल करवाकर जांच एजेंसी के रिपोर्ट का विरोध करवाया। बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये सभी कांग्रेस के इशारे पर ही हो रहा था। जून 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने उस प्रोटेस्ट याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना आदेश पारित किया और जाकिया जाफरी के याचिका को रद्द करते हुए कहा कि तीस्ता सितलवाड़ ने जाकिया जाफरी के भावनाओं का इस्तेमाल किया है। सर्वोच्च न्यायालय की एसआईटी की तारीफ करते हुए और सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जितने लोग कानून का खिलवाड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने तीस्ता सितलवाड़ का भी नाम लिया और कहा सितलवाड़ के खिलाफ और जांच की जरूरत है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा की विरोधी राजनीतिक पार्टियां कुछ वैचारिक राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ एनजीओ से मिलकर झूठे आरोपों को इतना प्रचारित किया, अपने मजबूत इको सिस्टम से धीरे धीरे लोग झूठ को ही सत्य मानने लगे। और इसके पश्चात 2002 में हुए गुजरात दंगों के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और 55 अन्य राजनेताओं को अधिकारियों के विरुद्ध झूठे केस करवाने की साजिश रचने के आरोप में गुजरात एटीएस ने असामाजिक कार्यकर्ता और समाज के लिए भयानक गंदगी बन चुकी तीस्ता सितलवाड़ को उसके काली कमाई बनाए गए मुंबई के चूहू स्थित करोड़ों के आसियाने से एक अपराधी के रूप में दबोच लिया। और कल की झूठ और फरेब के बल पर बनी पद्मश्री विजेता आज अपराधी के रूप में अपने सच का सामना कर रही है। इसमें दो प्रमुख और भयानक असामाजिक तत्व पूर्व डीजीपी श्री कुमार और आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट भी कानून के शिकंजे में आ चुका है। परंतु मित्रों, उस काले और भयानक चेहरे वाले कांग्रेस के निम्न कोटि की निकृष्ट मानसिकता वाले नेताओं का क्या, जो पिछले 20 वर्षों से लगातार विश्व वमन करते आ रहे हैं, उन चाटुकार पत्रकारों जैसे दीपक सरदेसाई, बरखादास इत्यादि का क्या वे किसी ऐसे ही बचे रहेंगे? क्या इन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी? इन सब पर कार्यवाही क्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। ये सभी सजा के पात्र हैं या नहीं है? सच का सूरज तो हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में अपना शौर्य बिखेर रहा है, पर झूठ और फरेब की चादर में सिमटी तीस्ता सितलवाड़ आज अंधकार के साए में विलुप्त होने के कगार पर आ चुकी है। ये एक गरीब परिवार में जन्मे अनजाने मोदी जी के सुकर्म ही है, जिसके कारण वो वैश्विक विश्व के जनमानस के हृदय पटल पर विराजमान है। और ये प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेने वाली तीस्ता सितलवाड़ के कुकर्म है, जो आज उसकी नजरों में खुद ही गिर चुके हैं। तीस्ता सितलवाड़ पर आरोप आपको बता दें, तीस्ता सितलवाड़ और उसके पति जावेद आनंद के ऊपर उन्हीं के सहयोगी रईस खान ने आरोप लगाया है कि दंगा पीड़ितों की सहायता की आड़ में
अपने एनजीओ के माध्यम से करोड़ों रुपए के फंड जुटाए और उसे टकार कर गई और थाट स्वयं के ऊपर खर्च किया। दूसरा, इसके अलावा तीसता सितलवाड़ बेस्ट बेकरी कांड केस में मुख्य विटनेस जाहिरा शेख पर दबाव डालकर झूठ बोलने के लिए बेबस किया, जिसके कारण उस केस को गुजरात से बाहर महाराष्ट्र में स्थानांतरित किया गया और बाद में जांच के पश्चात जाहिरा शेख को झूठा हलफनामा देने के लिए एक वर्ष की सजा सुनाई गई। इसके अलावा वर्ष 2013 में अहमदाबाद में स्थित गुलबर्ग सोसाइटी में 12 निवासियों ने तीस्ता के खिलाफ जांच की मांग की। सोसाइटी के लोगों ने आरोप लगाया कि तीस्ता ने गुलबर्ग सोसाइटी के म्यूजियम बनाने के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए जमा किए, लेकिन उन पैसों का सही इस्तेमाल नहीं हुआ। वर्ष 2014 में तीस्ता उसके पति जावेद आनंद के खिलाफ क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज किया। चौथा, तीस्ता सीतलवाड़ के आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट, गुजरात के पूर्व डीजीपी कुमार वही ऑफिसर जिनमें केरल में महान वैज्ञानिक नारायणन के ऊपर झूठे आरोप लगाकर उन्हें देशद्रोही साबित करने की कोशिश की थी, उसके साथ मिलकर झूठे गवाह तैयार किए, झूठे हलफनामे तैयार किए, झूठे दस्तावेज तैयार किए, झूठे केस फाइल किए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि प्रयास खराब करने का प्रयास किया, संबंधित न्यायालय को गुमराह किया और गुमराह करने की कोशिश करती रही, और इस प्रकार उसने वो हर अपराध किया जिसे उसने करना चाहिए था, आज उसी की सजा वो भुगत रही है। लेकिन अभी भी हमारी सुप्रीम कोर्ट है जो रात में 6 बजे उसके पास याचिका पहुंचती है शाम को और 6:30 बजे सुनवाई हो जाती है, 2 जजों की कमेटी अटेंड करके 7:30 बजे तक वो गठन कमेटी का फैसला नहीं सुना पाती है तो फिर एक कमेटी बिठा दी जाती है 3 सदस्यों की और 9:30-10 बजे तक उस पर फैसला सुना दिया जाता है। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों मेहरबान है, क्या है आखिरकार तीस्ता सितलवाड़ के पीछे का राज, और क्या ये सही माने कि सरकारें कितनी भी बदल लो साहब सिस्टम हमारा है, क्या ये कांग्रेस एक फिल्म का डायलॉग, क्या कांग्रेस उसको पूरी तरह से चरितार्थ कर रही है। मने रहे ओनली न्यूज नेशन के साथ, और अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो नीचे दिए नंबर्स पर आप हमें सहायता राशि गूगल पे और पेटीएम के माध्यम से भेज सकते हैं। आपके कॉल्स काफी बहुत आते हैं, लेकिन माफ कीजिए कॉल्स उठाने में हम सक्षम नहीं होते, कि दिन में सैकड़ों कॉल्स आती हैं, उन कॉल को उठा पाना, उनका रिप्लाई दे पाना बहुत ही ज्यादा हमारे लिए कठिन काम हो जाता है, इसलिए उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और आप सभी के प्यार और आभार के लिए आप सभी का शुक्रिया करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।